और भारत को मुड़ा कारण कहते हैं हमें इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए। अगर भारत कहना चाहिए तो एक दिन पहले आपने हिंदू राष्ट्र की मांग करके ये बड़ा अपराध क्यों किया, ये संविधान विरोधी बयान क्यों दिया, ये राष्ट्र विरोधी बयान क्यों दिया? ऐसे लोगों पर तो भाई और भी जानी चाहिए, जेल की शराखों में जाना चाहिए। लेकिन ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी, नीचे भी भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन की सरकार, और जिसके गुरु घंटाल है मोहन भागवत जी, तो उनके खिलाफ तैयार कैसे हो सकती है? इसलिए अगर आप भारतीय संविधान चाहते हो, भारतीय संविधान चाहते हो, तो डबल इंजन की सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज संविधान विरोधी ताकते सिर उठाकर अपने नापाक कार्यों को जाहिर कर रही है। हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? इसलिए कि आप उस देश के आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को फिर से गुलाम बनाना चाहते हो, फिर से धन धर्म शिक्षा सम्मान से वंचित करना चाहते हो, फिर से जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना चाहते हो। अगर ऐसा नहीं तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? अब जिसको तुम हिंदू राष्ट्र बोलते हो वो भारत राष्ट्र पहले से स्थापित है। ये भारत कभी भी न हिंदू राष्ट्र था, न हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए साथियों हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग देश विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी है, इस देश के आदिवासी दलित